हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जॉब फाइंडर। जॉब फाइंडर में आपका स्वागत है और आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए फिर से फ्री में इंग्लिश के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपके ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस में भी आएंगे। ठीक है, ये 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के और 5 नंबर के क्वेश्चन जो है वो हिंदी के आएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। ये हमारी इंग्लिश का जो है 5वां पार्ट है, इसमें आपको मैं सभी क्वेश्चन कराऊंगा। जिस टाइप से पैटर्न है हरियाणा के एग्जाम्स का, उसी टाइप के आपको क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड ही मिलेंगे जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, और कुछ क्वेश्चन नए भी मिलेंगे और आपको यहाँ पर कंसेप्ट भी मिलेगा जिससे आपके एग्जाम में एक भी नंबर ना छूटे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम फोड़े। ओके गाइस, तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कॉमन एरर से। इसमें आपको कॉमन एरर फाइंड आउट करना होता है कि किस पार्ट में आपका एरर है। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है, ऑन लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली, या फिर नो एरर। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है और आप चाहें तो उसको खुद अपना प्रैक्टिस रख समझ के भी सॉल्व कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, 2-3 सेकंड इसका आंसर सोचिए और अब मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो देखिए इसमें जो आपका एरर है वो है आपका ए पार्ट में। ठीक है, ए पार्ट में आपका एरर है और इसमें एरर क्यों है आप वो भी आप समझ लीजिए। देखिए, ऑन लास्ट संडे कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता, आपको सुनने में भी अधूरा लग रहा होगा। वैसे ये रूल है कि अगर कोई भी हम भूतपूर्व की बात कर रहे हैं, यानी कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं ऐसे, तो ऑन द लास्ट संडे होगा। ठीक है, हमको द यूज़ करना पड़ता है, ऑन द लास्ट संडे आपका बिल्कुल ही ये करेक्ट आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ ऑन लास्ट संडे लिखा है जो कि आपका गलती है, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ आर वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट, या फिर नो एरर। अब इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर इसमें जो हमारा एरर है वो हमारा है बी पार्ट में। अब बी पार्ट में एरर क्यों है उसको आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है द प्रिंसिपल एंड स्टाफ, यानी कि जो प्रिंसिपल है वही स्टाफ है। इसकी हिंदी क्या बनी, प्रिंसिपल और स्टाफ आर वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट। तो यहाँ पर हमारा आर नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा इज आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों जो पर्सन है वो एक ही हैं, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ एक ही पर्सन है। अब इसको मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। देखिए अगर यहाँ पर होता द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ होता तो दोनों द प्रिंसिपल भी अलग हो गया और स्टाफ भी अलग हो गए, तब हमको यहाँ पर आर हमारा बिल्कुल ही करेक्ट था। पर यहाँ पर द नहीं है, यानी कि दोनों एक ही बंदे की बात कर रहा है। द प्रिंसिपल और स्टाफ इज अ वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट, अगर यहाँ पे होता द प्रिंसिपल द स्टाफ तो हमारा आंसर बिल्कुल सही था। अब हमारे जो बी पार्ट में है वो गलती है, यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका सिनोनिमस से है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द। हमको दे रखा है वर्ड डेयरिंग। अब देखिए पहले आपको, देखिए मैं आपको सिनोनिमस में हर बार बता रहा हूँ हर एक वीडियो में, कि आप सिनोनिमस को कभी रट्टा ना लगाएं कि डेयरिंग का आंसर ब्रिलियंट होगा या डेयरिंग का आंसर ये होगा। ऐसे रट्टा लगाएंगे तो आप एग्जाम में कभी परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन ठीक भी कर दिया तो आपको डाउट में लगेगा कि मेरा क्वेश्चन गलत है इंग्लिश में ये वाला, तो ऐसे काम मत कीजिए। अब देखिए आपको उस टाइम का, मतलब आप मेरी वीडियोज़ देखिए, नहीं तो आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। इसका सही तरीका होता है, देखिए डेयरिंग का आपको मतलब पता होना चाहिए, वो होता है हमारा साहसी। आपको पता ही होगा हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, उसमें भी यूज़ होता है। और डेयरिंग का मतलब होता है साहसी, हिम्मत वाला। ओके, अब देखिए हमारा जो पहला है ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छा। तो ये हमारा सिनोनिमस तो नहीं हुआ, साहसी का अच्छा तो नहीं होता। अब देखिए एनर्जेटिक, एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है कि शक्तिशाली, यानी कि पावरफुल आदमी, एनर्जेटिक। तो साहसी है ये, पावरफुल है, इसको हम यहाँ पर रखते हैं डाउट में। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, इसको हमने रखती है डाउट में। अब देखिए अनबिलीवेबल मतलब क्या होता है, अविश्वसनीय, साहसी और अविश्वसनीय, ये सिनोनिम्स भी हमारा बिल्कुल गलत हो गया। अब देखिए करेजियस का मतलब क्या होता है, साहसी आदमी, करेजियस का मतलब हो गया साहसी आदमी। तो हमको जो है एग्जाम में बिल्कुल परफेक्ट सिनोनिम्स ढूंढना होता है। ठीक है, आपको एक या दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपके डाउट में रहेंगे, पर जो हमारा डेयरिंग का बिल्कुल परफेक्ट होगा वो हमारा होगा करेजियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, साहसी बोलते हैं। ठीक है, समझ में गए होंगे। अब नेक्स्ट देखिए सिनोनिमस एक और है आपका डेफर। अब देखिए डेफर एक होता है हमारा रेफर वर्ड, रेफर भी हम याद कर सकते हैं। रेफर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रेफर कर देना, मतलब कि उसको किसी और को पास आउट कर देना, रेफर कर देना किसी को, उसको हम बोलते हैं रेफर। अब ये डेफर है, इसका मतलब होता है हमारा रोक देना। ठीक है, रोक देना कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए रोक देना कोई चीज़ को, वो होता है हमारा डेफर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हरियाणा के एग्जाम से लिया हुआ है मैंने और एसएससी एमटीएस में भी कई बार पूछा गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए हमारा होता है डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब क्या हो गया, अलग हो गया। डेफर का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया है रोक देना, ठीक है, रोकना हो गया कुछ समय के लिए, ये देखना कुछ समय के लिए रोकना हो गया, नहीं तो आप स्टॉप कर देंगे, स्टॉप इसके सिनोनिम्स नहीं बनता।
ठीक है, हमारा होता है कुछ समय के लिए रोकना। अब देखिए डिसएग्री का मतलब क्या होता है, असहमत, किसी चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ उसको मैं बोल दूंगा डिसएग्री। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, ये भी हमारा गलत हो गया, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। रोकना और स्वीकार करना दूर दूर तक कोई मेल जोल नहीं है। पोस्टपोन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, आपने सुना होगा इस चीज़ को मैंने, हाँ जी ये चीज़ मेरी डेट पोस्टपोन हो गई, यानी डेट रुक गई है, डेट आगे बढ़ गई है, कुछ समय के लिए रुक गई है, आगे बढ़ गई है। तो रोकना हमारा बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, पोस्टपोन, डेफर का हमारा आंसर होगा पोस्टपोन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा एंटोनिमस, जिसको हम क्या बोलते हैं, विपरीतार्थक शब्द, यानी कि विलोम शब्द, उल्टे शब्द होते हैं, अबंडेंट। अब पहले आपको अबंडेंट का मतलब पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है आपका ज़्यादा। अबंडेंट का मतलब क्या होता है आपका, ज़्यादा, अधिक। अब देखिए स्कैंटी का मतलब क्या होता है, स्कैंटी मतलब हमारा एक होता है हमारा टीनी, टीनी मतलब क्या होगा, छोटा हो गया, तो ये तो हमारा बना ही नहीं, ज़्यादा का छोटा, अरे भाई ज़्यादा का कम होगा छोटा नहीं होगा, मेरे को बिल्कुल परफेक्ट देखना है। डेफिशिएंसी भी हमारा बिल्कुल ही गलत हो गया, एफिशिएंसी क्या होता है हमारी क्षमता, डेफिशिएंसी हमारी क्या होगी, कमजोरी, तो ज़्यादा कमजोरी ये भी हमारा नहीं बना। स्कार्सिटी का मतलब होता है हमारा कमी, ठीक है कमी, तो ये हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट एंटोनिमस होगा, अबंडेंट ज़्यादा और स्कार्सिटी हमारा कम। मैंने आपको बताया देखिए स्कार्सिटी मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी दिखाया था, ये हमारा वर्ड था स्कार्सिटी, मतलब कि मैंने क्या बताया था इसको याद करने के लिए, कि जो हमारी कार हैं वो एक सिटी के अंदर हैं, यानी कि कार हमारी लिमिट के अंदर है, लिमिट मतलब कमी, मैंने आपको इस तरह से कुछ याद करने के लिए बताया था आपको, उम्मीद है आपको याद आ गया होगा। तो हमारा जो अबंडेंट है इसका अपोजिट क्या होगा, वो होगा हमारा स्कार्सिटी, जिसको हम कमी बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्ड, नेक्स्ट हमारा रिनाउंड, रिनाउंड का हमको एंटोनिमस ही बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द ही बताना है। अब रिनाउंड का आपको पहले मतलब पता होना चाहिए क्या होता है, रिनाउंड का मतलब होता है किसी, रिनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध, ठीक है रिनाउंड का मतलब हमारा हो गया प्रसिद्ध हो गया, जिसको हम बोलते हैं फेमस। अब देखिए हमारा ऑप्शन ए है फेमस, तो ये रिनाउंड का तो सिनोनिमस हो जाएगा ना, एंटोनिमस हमको पूछा तो ये तो हमारा बिल्कुल ही गलत हो गया। ऑन्ड मतलब क्या होता है, अपनाना, अपनापन, तो ये भी हमारा गलत हो गया। नॉन्ड का मतलब क्या होता है, जानने वाला, तो प्रसिद्ध और जानने वाला, ये भी हमारा गलत हो गया, ये सब सिनोनिमस के ही कुछ कुछ टाइप हैं। और अननोन क्या हो गया हमारा, अज्ञात, एक आदमी है प्रसिद्ध और एक आदमी है अननोन, अज्ञात, तो हमारा परफेक्ट एंटोनिमस क्या होगा, रिनाउंड का एंटोनिमस हमारा होगा अननोन, अज्ञात। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आज नया ऐड किया है क्वेश्चन टैग, आपके सामने ये वर्ड दे देते हैं, देखिए पहले समझा देता हूँ इसको मैं क्या होता है। चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स इज नॉट इट, ठीक है चिल्ड्रन लाइक टू स्वीट्स इज नॉट इट, ये हमारा डार्क किया है, इसकी जगह बताना आपको क्या आएगा, या फिर कुछ भी नहीं आएगा बताना, आपके आंसर है डू दे इज इट, डोंट दे, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। अब देखिए क्वेश्चन टैग को बनाने का क्या तरीका होता है, कि अगर आपका यहाँ से पॉजिटिव है, अगर आपका सेंटेंस स्टार्टिंग में पॉजिटिव है तो लास्ट में आपका नेगेटिव होगा, स्टार्टिंग में नेगेटिव है तो लास्ट में आपका पॉजिटिव होगा, ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। और दूसरी बात क्वेश्चन टैग बनाने का, अगर ये हमारा प्लूरल है तो हमारा ये भी प्लूरल होगा नेगेटिव में, हमारा अगर ये पॉजिटिव में प्लूरल है तो हमारा ये नेगेटिव में भी प्लूरल ही होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर चिल्ड्रन जो हमारा वो प्लूरल शब्द है, याद रखना बच्चे है, चाइल्ड नहीं बोला उसने बच्चा, उसने बोला है चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे, तो हमारा लास्ट में इज़ नॉट इट आएगा नहीं, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर का हो गया इज़, हमारा इसके यहाँ पर हमको देखना है, पहले देखिए डू दे हमारा गलत हो गया, ये क्यों गलत हो गया, पहली बात तो एक तो ये नेगेटिव में नहीं है, ये हमारा है पॉजिटिव में, तो ये हमको नेगेटिव में चाहिए, ये भी गलत हो गया। इज इट भी हमारा पॉजिटिव में होगा, ये भी गलत हो गया। अब देखिए नो इम्प्रूवमेंट तो इसमें होगा नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी डोंट डे। देखिए चिल्ड्रन हमारा पॉजिटिव है और प्लूरल है, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा और प्लूरल होगा, डोंट क्या है नेगेटिव है और प्लूरल आ जाएगा, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, डोंट डे। ठीक है, अब देखिए आपको बता दूँ, डोंट जो है, डू हमारा प्लूरल होता है, ठीक है इस चीज़ में कन्फ्यूजन मत रहना, डू हमारा क्या होता है प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है हमारा डू का डज, डज हमारा सिंगुलर होता है और डू हमारा प्लूरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नोन वन एनोदर, ठीक है यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन एनोदर की जगह आपको बताना है क्या आएगा, ऑप्शन है आपके पास वन अगेंस्ट ईच अदर नो इम्प्रूवमेंट या फिर बोथ। अब देखिए यहाँ पर वन एनोदर का हम प्रयोग क्यों करते हैं, यहाँ पर आपके तीन चीज़ें क्लियर होंगी, जब हमारी दो से ज़्यादा हो, मोर देन टू
सब्जेक्ट हो तो हम वन एनदर का यूज़ करेंगे। ओके, अब देखिए दो सब्जेक्ट हो तो उनके लिए आपस में हम किसका यूज़ करते हैं, ईच अदर का। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी ईच अदर। वन अगेंस्ट हमारा गलत हो गया, बोथ का हम यूज़ नहीं कर सकते, हम आपस की बात हो रही है तो इनका ईच अदर यूज़ होगा। वन एनदर होता है क्या कि दो से ज़्यादा, मोर देन टू, ईच अदर दो के बीच की बात। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ईच अदर। नेक्स्ट देखिए idioms एंड phrases जो मुहावरे होते हैं वो है ए मैन ऑफ लेटर, इसका आपको बताना है आंसर। नेक्स्ट आपका ये कि यहाँ पर हमारे से कुछ गलती होगी लिखने में, यहाँ पर मेरा आएगा स्कॉलर। ओके दोबारा लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर हमारा क्या आएगा स्कॉलर, स्कॉलर, स्कॉलर पर्सन, एवरेज पर्सन, इम्पोर्टेंट मैन या फिर गुड मैन। अब देखिए ए मैन ऑफ लेटर का मतलब होता है सिंपल सा विद्वान आदमी, क्या होता है इसका विद्वान आदमी। सेंटेंस बना सकते हो आप इसका, द रविंद्रनाथ टैगोर इज अ मैन ऑफ लेटर, सिंपल। अब देखिए एवरेज पर्सन विद्वान तो गलत हो गया, गुड पर्सन अच्छा आदमी, विद्वान अच्छा तो बना नहीं ना बिल्कुल। इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण आदमी, महत्वपूर्ण होता है बहुत जरूरी आदमी, इम्पोर्टेंट, पर ये विद्वान है तो ये हमारा गलत हो गया, हमारा ऑप्शन होगा ए स्कॉलर आदमी। ठीक है, मैंने मेरे से लिखने में गलती होगी, ये हमारा क्या होगा स्कॉलर पर्सन, स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, तो ए मैन ऑफ लेटर क्या होगा स्कॉलर पर्सन यानी कि विद्वान आदमी। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, हु लव्ड ह्यूमन मैनकाइंड यानी कि जो मानव जाति से प्रेम करता हो, ठीक है मानव जाति से प्रेम करता हो उसको क्या बोलते हैं, फिलैंट्रोपिस्ट, मिसैंट्रोपिस्ट, लवैंट्रोपिस्ट या फिर पॉलीगैमी। इसका आंसर आप खुद सोच लेना थोड़ी देर वेट करके। अब देखिए मैं इसका आंसर बता दूं, सबसे पहले आपका जो फिल शब्द है ना, ये फिल शब्द है, ये होता है हमारा लव के लिए यूज़, याद रखना फिल जो होता है वो हमारा लव के लिए यूज़ होता है। और एक शब्द हमारा क्या है यहाँ पर मिसो, मिसैंट्रोपिस्ट जो है, मिसैंट्रोपिस्ट ये हमारा हेट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, फिल होता है लव और मिसैंट्रो होता है हेट। अब देखिए हु लव ह्यूमन मैनकाइंड का हमारा आंसर होगा फिलैंट्रोपिस्ट, जो मानव जाति से प्रेम करता है उसको क्या बोलते हैं फिलैंट्रोपिस्ट, जो नफरत करता हो हु हेट्स ह्यूमन मैनकाइंड होता तो हमारा होता मिसैंट्रोपिस्ट। लवैंट्रोपिस्ट वर्ड ही गलत है, पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है जिसने बहुत सारी शादियां की हों, ठीक है जिसने बहुत सारी शादियां की हों उसको बोलते हैं हम पॉलीगैमी। ठीक है, ये हमारा आज का चैप्टर था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी वीडियो को पसंद आ रही हैं। चलिए फिर, थैंक यू गाइस, अलविदा दोस्तों, थैंक यू गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, धन्यवाद।